हेलो फ्रेंड्स, केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको इंश्योरेंस से संबंधित प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, नीड, किस तरह से क्लाइंट से बात करें, ये सब आपको पता चलता है। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ एक और नए सब्जेक्ट को। दोस्तों, आप सबने या तो चेस खेली होगी, नहीं तो शतरंज के बारे में जानते जरूर होंगे। कुछ लोगों को शौक होता है और आपको प्राउड होगा, विश्वनाथन जी जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वो भारत से ही हैं। आज वो गेम हमारे इंश्योरेंस की लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है, मैं कुछ पार्ट बोलूंगा, बाकी और चीजें। तो सबसे पहले चेस में जो गोटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्यादा सबसे छोटा माना जाता है उसको, कि प्यादा है ये। पर दोस्तों, वो प्यादा हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है अगर हम प्रॉपर चले। मैं आपको बताता हूँ, या और आपकी लाइफ भी, जनरली मैक्सिमम टाइम पर हमारी जब शुरुआत होती है इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, तो छोटी पॉलिसी से होती है। मेरी भी ऐसी हुई, मैंने 319 रुपए क्वार्टरली, मीन 100 रुपए महीना की पॉलिसी भी बेची। लेकिन उन्हीं के थ्रू मैं उनके बॉस से मिला और उनका करीब 25 लाख रुपए का उस जगह से प्रीमियम मेरे पास आता है। तो क्या वो मतलब निकला, शतरंज में जैसे प्यादा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार प्यादा राजा है वो घेर देता है, जीत में बड़ी इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर आपके पास छोटे क्लाइंट है तो उनको छोटा मत समझिए, वो भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो किसी टाइम मुझे 12 हजार का प्रीमियम दिया करते हैं साल का, वही क्लाइंट 1 लाख 2 लाख 4 लाख का प्रीमियम देने लगे, क्योंकि तो टाइम के साथ उनको भी ग्रोथ मिली। तो प्यादे से हमें सबक मिलना है कि हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। उनका रेफरेंस हो सकता है, वो आपको कहीं जोड़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। मेरे क्लाइंट हैं, वो एक दुकान पर छोटी सी जॉब करते हैं, लेकिन उन्हीं के भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने उससे जोड़ा। तो ऐसा मेरे लिए दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, जैसे वजीर अपने कहीं भी चल सकता है, राजा है कहीं भी चल सकता है, लेकिन घोड़ा 2.5 घर चलता है। दैट मीन्स आपको भी लाइफ के अंदर कुछ क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जिनकी क्वेरी बहुत होती है, तो क्वेरी से घबराना नहीं है। घोड़ा आपको कहीं से कहीं, एक आप सीधे रास्ते जा रहे थे और घोड़ा आपको साइड में, मीन्स कहीं और शहर में, किसी और कैटेगरी में, किसी अच्छे रैंक के व्यक्ति के साथ कभी भी जोड़ सकता है। फ्रेंड्स, आप समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कहां से कहां आप जुड़ सकते हैं। मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, प्रतीक, आप बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। तो उस समय डेंगू शुरुआत की बात थी, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, लोगों को रूम नहीं मिलते थे। मैं बाहर बैठा था, मेरा उस हॉस्पिटल में मेरे कजन जीजा जी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से एक सेपरेट रूम मिला हुआ था। देखा एक व्यक्ति बाहर खड़े परेशान से थे, वेल एजुकेटेड पर्सन। मैंने कहा, सर क्या हो गया, क्यों परेशान हो? चलने के भाई, बेटी को डेंगू है और उस डेंगू के कारण मैं यहां लाया हूं, पर यहाँ रूम नहीं मिल रहे, बहुत परेशानी है। मैंने उनकी परेशानी देख करके कहा, सर एक काम कीजिए, मेरे पास एक सेपरेट रूम है, आप चाहें तो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, मैं 2 बेड कर देता हूँ, मेरी यहाँ पर जान पहचान है। उन्होंने कहा, अरे शर्मा जी बहुत थैंक यू होगा, बहुत कुछ होगा, बिकॉज पोजिशन ऐसी थी। उनकी बेटी भी उसी रूम में आ गई, बात खत्म हो गई, वो अपने घर चले गए, नंबर शेयर हो गया। एक दिन उनका फोन आया, शर्मा जी मेरे को एक मेडिक्लेम करानी है। मैंने मेडिक्लेम कर दी, छोटी सी एक मेडिक्लेम। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, शर्मा जी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप इनसे मिल लीजिए, बड़े क्लाइंट हैं। ठीक है सर। थोड़ी देर बाद बातचीत खत्म हो गई, 15-20 मिनट बाद फिर उनका फोन आया, शर्मा जी बहुत सीनियर पर्सन है और थोड़ा सा अच्छी डील करिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। क्लाइंट उन्होंने मुझे बहुत बड़े चार आईएएस अफसर के साथ होगा, बहुत बड़े, जब मैं उनसे मिला था तो वो मिनिस्टर्स के नाम लेके बात करा करते थे, बहुत हाई पोजीशन, और मुझे एक अच्छा खासा प्रीमियम उनसे मिलता है। तो कहां से शुरुआत हुई, डेंगू के बुखार से, कोई सोच सकता था? उसके बाद तो उन्होंने और भी बहुत सारे जोड़े, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो प्यादे को भी छोटा नहीं समझना, घोड़े को भी छोटा नहीं समझना। मीन्स कुल मिला के जो शख्स आपको मिल रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ के चलिएगा। हम कई बार, अरे क्लाइंट छोटा है, नहीं, जब सर्विसिंग की बात आती है, एक बात मैं बता दूं, मान लो
आपने एक छोटे व्यक्ति को प्रॉपर सर्विसिंग नहीं दी और एक बहुत बड़े को, दोनों को कहीं सर्विसिंग में दिक्कत आई, तो आप जानते क्या होगा, छोटा क्लाइंट ज्यादा दुखी होगा, वो हर जगह आपको क्लियर करेगा। और हो सकता है बड़ा क्लाइंट अपने स्टाफ को बुलाए, भाई ये देख लेना आगे से तुम ही जमा कर देना, हमें सर्विस नहीं मिल रही उनसे आगे से दे, और वो भूल भी जाएगा। पर छोटा क्लाइंट 10 जगह, क्योंकि वो 10 बार ब्रांच आएगा, 10 बार परेशान होगा, 10 जगह आपके बारे में कहेगा, वो व्यक्ति अच्छी सर्विस नहीं देता। तो हमारे लिए चश्मे, चाहे वो राजा हो, वजीर हो या प्यादा हो, हमारे बिजनेस के अंदर सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात, ये मैसेज मैं इसलिए देना चाह रहा था कि आज बाई चांस मेरे पास, मेरे क्लाइंट है बेंगलोर से, उनका फोन आया तो मुझे ये बात याद आई। सेकंड दोस्तों, एजुकेशन हमारी लाइन में, हमारे व्यापार में, हमारे क्या सभी के व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। हम जो काम कर रहे हैं या जो मैं इस समय कर रहा हूं, वो एजुकेशन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, उससे ज्यादा मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि तो जब मुझे आपके साथ कुछ बोलना होता है तो मेरे को अपनी पुरानी डायरी, अपनी मेमोरी, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ इसके अंदर निचोड़ डालता हूं, तो वो सारा रिकॉल हो जाता है। रिकॉल होने के कारण आप तो जो सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, उससे ज्यादा मैं सीख रहा हूं। मेरे मन में आता है, अरे मैंने इनको कहा, मैंने क्या किया, वो ये तो और भी शानदार हो सकता था, इसको ऐसा करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन में हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आज तक 2008 में इंश्योरेंस की एजुकेशन के साथ जुड़ा था और आज तक भी जुड़ा हूं, और एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट मानता हूं आप ये समझ लीजिए। आपके साथ मेरा सेशन खत्म होगा 5:30 पौने 6 बजे, 7:15 बजे फिर एक सेशन में मैं एजुकेशन लेने जाऊंगा, जहां से मैं 9 बजे फ्री होऊंगा, 9 बजे फ्री होते एक जगह और मैं सेशन करूंगा। तो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानिए। सेकंड, जो बुक्स मैं आपके साथ बार बार रिकमेंड करता हूँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मैं आज आपको फिर बताना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में सवाल ही जवाब है, इस बुक ने बहुत प्रभाव डाला है मेरे बोलने की स्टाइल। कभी भी आप अगर मुझसे बात करते होंगे तो आप देखते होंगे मैं जनरली आपसे क्वेश्चन पूछने लगता हूँ, वो उस बुक का प्रभाव है। साथ साथ गोल सेटिंग के ऊपर आप बहुत फोकस रखिए, अपनी लाइफ के गोल बनाइए, अचीवेबल गोल बनाइए, स्मार्ट गोल बनाइए और अपनी लाइफ को चेंज कर दीजिए। कहीं दिक्कत आती है, मैं फिर कहता हूँ मुझे फोन 8:30 से 9:30 के बीच में रात को कीजिए, दिन में मैं फोन उठाता हूँ कि आपको बुरा ना लगे, लेकिन मैं थोड़ा परेशान होता हूँ, आज मत कीजिएगा, याद अभी कह रहा हूँ। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बुक शानदार बुक में से एक बुक है। बड़ी सोच होगी, बड़े विजन होंगे, बड़े प्रयास होंगे, बड़ी सक्सेस मिलेगी, सक्सेस भी बड़ी तभी मिलेगी। आपको 1,000 पॉलिसी बेचनी है या 2 करोड़ का प्रीमियम करना है, दोनों बड़ी चीज होगी, बड़ी सोच होगी, अब उसके हिसाब से प्लानिंग होगी तो सारी चीजें वैसे चलेंगी। हमेशा अपने गोल के साथ, पहले अपना गोल बनाया फिर उसकी एक्टिविटी लिखी, अगर एक्टिविटी और उनको जोड़ के देखा क्या इससे ये हो पाएगा, नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है हमारी एक्टिविटी कम है, छोटी है, हमें एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। तो एक्टिविटी में और दम लगाएंगे, कुछ और सोचें, कुछ और बड़ा कैसे हो सकता है, संभव सब है। ये हमेशा मान के चलिए, जो दिमाग में आपके आ गया वो पॉसिबल है, अब उसका रास्ता ढूंढना। कभी किसी ने सोचा होगा, हम जब समय चांद के ऊपर पहली बार यान उतरा था, हम बहुत छोटे होते थे, आप लोगों को तो मैक्सिमम को पता भी नहीं होगा, वो शाम के टाइम, वो रात लोग ट्रांजिस्टर और रेडियो हुआ करते थे, कान लगा के बैठे थे, क्या हो रहा है। बट किसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल्पना की कि हम चांद पर जाएंगे, शायद कैनेडी थे उस समय जिन्होंने कहा था, जब जाएंगे तो उन्होंने प्लानिंग शुरू करी, वो सक्सेसफुल हुई। क्या हमारा इंश्योरेंस में बिजनेस चांद पर जाने से भी कठिन है, क्या सोचते हो आप? हमारी MDRT, हमारी COT, क्या चांद पर जाने से भी कठिन है? नहीं दोस्तों, बट क्या है, हमने उतना दूर तक सोचा नहीं कि क्या कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, और इसी के साथ एक चीज और कह रहा हूं, एक बुक है 1%, वो कहता है 1% अपनी लाइफ का, अपनी वर्किंग का ठीक कर दीजिए, बेस्ट कर दीजिए, बेस्ट
अपनी लाइफ का 1% को बेस्ट कर दीजिए, आप देखोगे सारी चीजें आपकी ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा अरे ये ग्रोथ आती कहां से है। 1% अगर आपके बिजनेस की एक्टिविटी, मुझे नहीं पता मेरे कोर्स के लोगों ने क्या यूज किया, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैंने बात की, आपकी बार मैंने प्रेजेंटेशन, ये सब सोच रहे थे जितने भी कोर्स वाले वो भी होंगे इसके बीच में हैं, वो नाम नजर आ गया मुझे, ये सोच रहे थे मैं प्लान प्रेजेंटेशन की बात करूंगा, नहीं मैंने प्लान प्रेजेंटेशन की बात नहीं की, ना मेरे दिमाग में, मैं ये कहना चाहता था जब आप क्लाइंट के साथ बैठे तो क्या बात हो कि बात आगे बढ़े और आप प्लान बेच पाए। प्लान पर मेरी प्रेजेंटेशन का मतलब बिल्कुल अलग है, क्लाइंट को प्लान से क्या मतलब है, क्लाइंट की जो नीड है, जो उसके गोल है, क्लाइंट वो सोचता है, उसके बारे में हमें बात करनी होती है। क्योंकि जब आप क्लाइंट को, कभी किसी डॉक्टर ने दवा नहीं बेची, किसी डॉक्टर ने कभी दवा नहीं बेची, वो क्या बेचता है, वो क्या देता है, रिलीफ, आपकी परेशानी, आपका दर्द, आपका फीवर, आपकी चोट, उनका दर्द ठीक होने का सॉल्यूशन देता है जिसका नाम दवाई है। हम क्या सोचते हैं हमें प्लान बेचना है, फ्रेंड्स प्लान प्रेजेंटेशन एक कंफ्यूज करने वाली चीज है, प्लान से उसे मतलब ही नहीं है, उसको तो जो उसकी नीड है, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो आपसे आपके इंश्योरेंस का क्लाइंट जानते हैं क्या खरीदता है या क्या खरीदना चाहता है, वो खरीदना चाहता है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी का सोल्यूशन क्या है, तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी का सोल्यूशन इंश्योरेंस में हम देते हैं, तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सबसे पहले उसके बच्चे की एजुकेशन, उसके बच्चे की मैरिज, खुद का रिटायरमेंट, नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टेट क्रिएशन, मींस ये सारी चीजें उसके लिए हैं। अब उसकी बच्चे की बेस्ट एजुकेशन का अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर आप अपने बच्चे को हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो, सर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को नापने का एक तरीका है, आप उसको हार्वर्ड भेजते हो, आप उसे ऑस्ट्रेलिया भेजते हो, उसे IIM खड़गपुर भेजते हो या कलकत्ता भेजते हो, जहां भी करना चाहते हो, सर वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो उसकी कोई वैल्यू भी है, मीन्स उसकी कोई खर्चा भी है, उस खर्चे को हमेशा पेपर पर लिखिए, और जितने साल बाकी बचे, लाइक किसी का बच्चा 5 साल का है और वो 15 साल बाद जाएगा, सर 15 साल के इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी क्या कॉस्ट बैठती है, निकालनी पड़ेगी, सर ये आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि बच्चे के लिए आपको इतना फंड करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं सर, या तो आप आज गारंटी करा लीजिए ये आप हैं तो आप कर दोगे, नहीं है तो भी हो जाए, क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क आप एक ऐसी जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपके ड्रीम पूरे हों। हम मेडिक्लेम क्या करते हैं, मैं हमेशा इंश्योरेंस बेचते हुए मेडिक्लेम की बात खुद करता हूं। अच्छा मेडिक्लेम में क्या बेनिफिट होता है, मेडिक्लेम के अंदर ये बेनिफिट है, बाय चांस हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, किसी ने सोचा नहीं होता जब मेडिकल, वो सोचता अगर मुझे होना पड़ा, इफ, हमारी लाइफ में इफ बहुत है, ये अपने क्लाइंट से हमें बात करनी पड़ेगी, सर हमारी लाइफ में बहुत इफ है, इस इफ के लिए भी हमें कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, उनसे पूछिए कार कौन सी है, अपने इंश्योरेंस के बिजनेस में कार को बार बार डालते रहिए, कहीं भी डाल दीजिए, सर आपके पास कार कौन सी है, उसमें एयरबैग है, कहेगा है, सर उसके अंदर ब्रेक है, है, उसमें हैंड ब्रेक है, अच्छा सर एयर बैग क्या करता है, एक्सीडेंट में आपकी रक्षा करता है, ब्रेक क्यों है सर, गाड़ी को अचानक रोकना पड़ जाए, सर हैंड ब्रेक क्यों है, वही अगर बाई चांस लेग ब्रेक से काम न चले, कोई भी कारण हो, साथ में हैंड ब्रेक भी लग जाओ तो रुकने के चांसेस ज्यादा हो गए, सर रुकने के या एक्सीडेंट से बचने के, क्या जवाब मिलेगा, एक्सीडेंट से बचने के, सर मैं एक बात पूछूं, रोकने के लिए सेफ्टी के लिए तीन तीन तरीके, आगे गार्ड भी लगा होता है कार के, सर गाड़ी की स्पीड के लिए आपके उसमें कितने एक्सीलेटर हैं, आप कभी अजीब सा क्वेश्चन करिए, सर आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर कितने हैं, कहेगा एक, सर गाड़ी से सेफ्टी के लिए हैंड ब्रेक, ब्रेक, एयर बैग, इतनी सारी चीजें, फिर आपने इंश्योरेंस भी करा रखा है,
सेफ्टी के लिए चार पांच चीज और तेज चलाने के लिए एक ही चीज सर, इसका मतलब है सेफ्टी तेज चलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी क्या आपने अपने क्लाइंट से ऐसी बात की? सर सेफ्टी से ज्यादा, सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से। सर यही म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड सेफ चलता है लेकिन उसके साथ ब्रेक नहीं है, ब्रेक हमारी इंश्योरेंस ही है। तो सर क्या आप चाहोगे कि आपकी, जिस तरह से आप मेडिक्लेम क्यों ले रहे हो कि अगर मैं बीमार हो गया, परिवार में कोई बीमार हो गया तो हम अपनी हॉस्पिटल के बिल की जिम्मेदारी कोई और कंपनी को दे देते हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं कि अगर बिल आया तो भैया ये तू दे दियो, मैंने तेरे को थोड़ा सा पैसा दे दिया। इंश्योरेंस क्या है सर? ये भी तो अपनी जिम्मेदारी डाइवर्ट करने का साधन है। उसको नए पहलू से समझाना पड़ेगा, नए तरीके से समझाना पड़ेगा। बहुत पढ़ लिए हम लोग, सिलेबस समझो चेंज हो रहा है। पुराने कॉलेज में सिलेबस चलते थे ना पहले, अब ये सिलेबस हमारे कॉलेज में हमारे साथ, हम जो आपस में जुड़ रहे हैं हमारा सिलेबस चेंज होगा, क्लाइंट को नई बात सुनने को मिलेगी। क्या आप अपने बच्चे के एजुकेशन के जो खर्चे हैं वो रिस्क, वो जिम्मेदारी एक आउटसोर्स करना पसंद करेंगे, जैसे आप मेडिक्लेम में करते हैं, जैसे आप कार इंश्योरेंस में करते हैं? वही तो कर रहे हैं हम लोग, बच्चे के एजुकेशन के। सर आप चाहते हो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत सारी स्टेट क्रिएट करके दो, उसके क्या क्या तरीके हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं? या तो आप बहुत मेहनत करो, लगे रहो, कंपनी डालो, मेहनत करो, सीए को दो, वकील को दो, प्रॉपर्टी टैक्स दो, सारे टैक्स दो, जीएसटी दो, सर इसके बाद कुछ पैसा कमाओ। कभी अपने क्लाइंट से पूछिए, बड़े क्लाइंट से हम पूछ सकते हैं, सर अगर आप इस साल, मान लीजिए वो हर साल 5 करोड़ कमाता है, बराबर के लेवल में बात करना, आइडिया कर लीजिए, मान लो 5 करोड़ कमाता है, सर आप इस 5 करोड़ और कमाना चाहते हो और एक नया बिजनेस करते हो, सर क्या क्या करना पड़ेगा? आपको बता देगा कम से कम 25 से 50 100 करोड़ तक का खर्चा पड़ेगा, सर दर्दी है। अच्छा सर इतना करने के बाद क्या आप 5 करोड़ गारंटी से कमाओगे? वो कहेगा गारंटी फिर भी नहीं है। सर मैं आपको 5 करोड़ कमाने का गारंटेड गारंटेड साधन बताऊं? और सर आप यहाँ 5 करोड़ कमाने के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ लगाना चाहते हो, मैं तो 5 करोड़ कमाने के लिए 4% लगवाने की बात कर रहा हूं। तब हियरिंग बनती है लोगों की, आपकी, आपके साथ बड़े आदमी की, तब एक नई हियरिंग शुरू होती है, यानी कुछ अलग बात कर रहा है, तो ये अलग बात है। अपने क्लाइंट के साथ हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हम उससे कुछ अलग बात करें, उसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करें। कई बार क्लाइंट कहता है मैंने घर खरीदा है, आपको लगा कुछ मैं नए तरीके से बात कर रहा हूं, मैं हमेशा चैट बॉक्स को इसलिए लिखवाता हूँ, लिखवाता रहता हूँ कि मुझे लगे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ नई बात आपने सुनी। मैंने आज आपके साथ एक थोड़े से अलग ढंग से बात की कि 5 करोड़ कमाना है उसके लिए एक्सरसाइज पूछो और अपनी 5 करोड़ की प्रेजेंटेशन, मेरे साथ गारंटी है पहले दिन से। तो क्या लिखोगे चैट बॉक्स में, यस हमने पहली बार सुना? दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है जिंदगी में, समझ लीजिए बहुत कुछ, बस मिरेकल होने के लिए हमें मिरेकल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे पतंग उड़ानी है, बहुत ऊंची उड़ानी है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पतंग में कहते ना कन्ने बांधे फिर धागा, फिर धीरे 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 ढील छोड़नी शुरू करेगी, तब जाकर के पतंग आसमान में बहुत दूर उड़ रही होगी। आपको भी अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए धीरे धीरे ढील देते 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 अपनी इंश्योरेंस में सफलता की पतंग को बहुत ऊंचा ले जाना। फ्रेंड्स अगर आपका ड्रीम ये है तो मेरा ड्रीम भी है, आ रहा है ना सामने 1 लाख एजेंट, ये विजन है, 1 लाख एजेंट जिनके साथ जिनकी इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए महीना हो, ये बहुत बड़ा विजन मेरे दिमाग में चल रहा है। और ये 1 लाख क्यों, 10 लाख क्यों नहीं हो सकते अगर मेरे साथ आप हो तो? इस विजन को बढ़ाइए। आपने एक कहानी सुनी होगी, पंजाब के अंदर एक किसान के खेत में बहुत बढ़िया फसल उगा करती थी, उसे प्राइज मिला, प्राइज के अंदर पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, आपकी फसल हर साल इतनी बढ़िया क्यों होती है, आप ऐसा
स्पेशल क्या करते हो? बहुत शानदार जवाब दिया उसने। उसने संगत का फायदा बताया। उसने कहा मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं तो हर साल यही बीज बोता हूं, लेकिन मैं साथ साथ क्या करता हूं, जो मेरे सराउंडिंग एरिया में किसान है उनसे कहता हूं यही बीज तुम भी बो। लोगों ने कहा ये क्या करते हो, तुम तो कंपटीशन में हार जाओगे। कहते नहीं, ये मेरी अच्छी फसल वो बीज बांटने का परिणाम है। कैसे? कि जब मेरे अगर मेरे साथ वाली फसल में कीड़े लगे होंगे, कमजोर होगी, तो उसके पराग उड़ के मेरे यहां भी आएंगे, तो मेरी फसल भी खराब होगी। अब मैंने क्या किया, चारों तरफ अच्छी फसल कर दी, इससे मेरी फसल अपने आप अच्छी हो रही है। दोस्तों ये जो लाख 10 लाख का विजन हमारे साथ है ना, कि इंश्योरेंस एजेंसी में 1 लाख रुपए महीना कमाए, अच्छा आप भी 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, आपका साथ वाला भी कमाता है, आपका ब्रांच वाला कमाता है, तो सबका स्टेटस एक होगा ना आप डिस्काउंट देते ना दूसरा देता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, LIC बढ़ गई, आप भी बढ़ गए। आपका क्लाइंट जब बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हो ना। जो क्लाइंट आपको 50,000 प्रीमियम दे रहा था उसकी इनकम बहुत बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया काम करने लगा, आपको 4 लाख देने लगा, सेम चीज हो गई। हम सब एजेंट बढ़ गए, LIC बढ़ गई, LIC बढ़ गई तो लोगों का फेथ इसके ऊपर आया, फेथ आया तो और काम हुआ, एक चक्र चलेगा और प्राइवेट इंश्योरेंस बाहर। कितना बड़े ड्रीम के लिए आप काम कर रहे हो, आप सबको जिम्मेदारी है ये, आप साथ दीजिए, आप देखना धीरे धीरे प्राइवेट गायब हो जाएगी। तो दोस्तों अब बहुत बार होता है क्लाइंट कहता है मैंने घर खरीदा है मेरे पास पैसे नहीं है। उनसे पूछिए सर आपने घर क्यों खरीदा, क्या सोच के किस विजन से खरीदा? वो कहेगा भाई घर बहुत जरूरी है, परिवार के साथ रहना होता है, उसके लिए मैंने घर खरीद लिया, मेरा ड्रीम घर है ये, लेकिन उसकी EMI इतनी कि अभी मैं इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं दे सकता। ठीक है सर, सर जिंदगी में लाइफ के अंदर इफ छिपा हुआ है। इफ छिपे हुए का मतलब सर हमारी लाइफ में प्लस माइनस बहुत हो जाता है। फिर पूछिए सर आपने मेडिक्लेम ली, आपके कार में ब्रेक है, ये ब्रेक ये मेडिक्लेम इफ के साथ है। सर बाई चांस आपके साथ कुछ होता तो EMI कौन देगा? अब वहां पर दो चीज आएंगी आपके पास, वो कहेगा मेरा तो इंश्योरेंस है, मेरा तो इंश्योरेंस है, मेरे साथ कुछ होता है वो पैसा वहां चला जाएगा और आप मेरी फैमिली को घर मिल जाएगा। अच्छा यही जवाब मिलता ना जनरली, मेरा टर्म इंश्योरेंस लोन कवर है। पहले उनसे कहिए सर एक बार चेक कर लीजिए, और सच में मैं बता रहा हूं अपने हर क्लाइंट को जिसने कहा हो मेरा इंश्योरेंस लोन के साथ अटैच है, मेरे साथ कुछ होता है लोन खत्म हो जाएगा, उनको चेक कर लीजिए। कई बार उसमें लिखा हुआ आता है 4 साल की पॉलिसी, 5 साल की पॉलिसी, क्योंकि वो लोन कवर नहीं कर रहे होते, वो एक पॉलिसी बेच रहे होते हैं। अब मैं कहता हूं परफेक्ट पॉलिसी है, बिल्कुल परफेक्ट पॉलिसी है, जैसी अगर उसके साथ आज या 10 साल बाद लोन से पहले कुछ होता है तो वो लोन उतर गया और फैमिली को घर मिल गया, जो उस आदमी का ड्रीम था। एक बात और पूछिए सर, सर आपने बहुत बढ़िया किया, आप कितनी केयर करते हैं अपनी फैमिली की, पर सर आपने फैमिली की केयर नहीं की, अपनी बैंक लोन की केयर की, आपके बैंक को पैसे मिल जाए, सर आपकी फैमिली को अब क्या मिला? आपके फैमिली ये है, आप केयर करते हो बैंक वाले को लोन मिल जाए, के पैसे मिल जाए, बैंक का लोन NPO ना, सर आपको बैंक की तो चिंता रही, क्या कभी आपने अपनी फैमिली को बताया देखो अगर मेरे साथ कुछ होता है तो बैंक के पैसे की तो चिंता मत करो, वो तो मेरी उससे निकल जाएगा इंश्योरेंस से, पर तुम्हें कोई कैश नहीं मिलेगा, कभी कहा आपने ऐसा? मैं कहता हूं मैं आज आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं कैसे हम लोग इस तरह की पॉलिसी बेच पाते हैं। एक छोटा सा फर्क था सर, आप अपनी फैमिली को तो कुछ दे नहीं रहे, बैंक के NPA की चिंता कर रहे हो। ऐसा कहने से फर्क पड़ता है। ऐसे ही मैं मेडिक्लेम के टाइम में कहता हूं सर ये जो हॉस्पिटल के लिए मेडिक्लेम कराई, मेडिक्लेम में तो हॉस्पिटल के बिल तो चले गए, आपकी फैमिली को क्या मिला? क्या एक पैरेलल अगर वो भी करके रखे तो क्या होगा? मीन्स हमें बात में से बात निकालनी पड़ेगी हमेशा। इसीलिए मैंने कहा मेरी तो लाइफ के अंदर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो फर्क डाला वो इसी से डाला कि मैंने बुक पढ़नी बहुत ज्यादा रखी, बहुत ज्यादा बुक पढ़ता रहा हूं, और ये बुक पढ़ना मेरे लिए बड़े फायदे की चीज रही है। तो इस तरह से करते रहिए। फिर मैं कह रहा हूं मैंने अपने कोर्स में मैं अगर
कुछ नाम मेरे को सामने नजर आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग के कोर्स से अगर प्रोस्पेक्टिंग का फायदा नहीं उठाया तो उठाना शुरू कर दीजिए, चाहे एक दिन दो दिन का गैप डाल दीजिए। आपकी डायरी के अंदर मिनिमम 200 लोगों के नाम होने चाहिए। मैंने बीच में भी बताया था डेली 5 नाम करिए। असलियत में तो जितने नाम को कॉल कर दिया, मान लो आपने आज 25 कर दिए, तो 25 नाम जुड़ने चाहिए। आपकी प्रोस्पेक्टिंग बैंक का मिनिमम बैलेंस 200 होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं एक आदमी बराबर 1 रुपया, एक नाम बराबर 1 रुपया, तो दैट मींस अगर आपके डायरी में से 200 से कम नाम हो गए, 170 नाम रह गए, तो समझो 30 रुपए की पेनल्टी आज आपको लगेगी। मिनिमम बैलेंस से कम है तो आपने क्या करना है, अपने डायरी ऑलवेज 200 की रहे, इस चीज को ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी होता है। अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को रिव्यू भी कीजिए, मींस नाम उसमें ऐसे है ना जो क्वालिफाइड भी हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं बस नाम लिखेंगे क्वालिफाइड का ध्यान नहीं रखा। हो सके तो उसके अंदर थोड़े नाम सर्विस वाले, थोड़े बिजनेस वाले, थोड़ा डॉक्टर, थोड़ा आर्किटेक्ट, डिफरेंट टाइप के लिखने शुरू कीजिए। मैंने इसी सेशन में कहा था अपने क्लाइंट को लेटर भेजिए। फ्रेंड्स ये जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा जिसकी इच्छा हो मेरे कोर्स में, लेकिन आप करिए तो सही, काम बहुत है आपको करना पड़ेगा। और क्लाइंट जब भी किसी चीज को इग्नोर कर रहा है, आपके इंश्योरेंस को इग्नोर कर रहा है, या वो कह रहा है मेरी लोन चल रहा है, मेरा ईएमआई चल रहा है, जो भी रीजन दे रहा है, उसमें से क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने अभी कहा, वो कहता है कि मेरे पास घर की ईएमआई है, तो उसी में से ढूंढा मैंने, क्या कह सकते हैं। तो इस तरह से नए नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके पास आता, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप धीरे धीरे दिक्कत में आ जाओगे। प्रोडक्ट ऐसा देना है, साथ साथ मैंने जिस दिन ये कहा था कि 100 अपॉइंटमेंट, 100 मीटिंग, 100 प्रेजेंटेशन, हर चीज 100 100 कही थी, उसी में कहा था जब आप पॉलिसी डिलीवरी करेंगे तो क्या करना है, रेफरेंस मांगना है। आपने 100 लोगों को डिलीवरी करी, 6 लोगों को आप रेफरेंस मांगना भूल गए, तो आपको 6 पॉलिसी की डिलीवरी और देनी है। जैसे मैं अक्सर भूल जाता हूँ, याद आ गया आपसे बात करते हुए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब मैं चैनल बंद करता हूँ तो मुझे याद आता है, ओहो मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसी टाइम इस काम को कर दीजिए। अपने क्लाइंट से रेफरेंस लेने की गलती नहीं करो। ये गलती मान लो कि मैं करता हूं, मैं मांग रहा हूं, पर इस गलती से आपकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छाई होने वाली है। और सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, अपने क्लाइंट को पॉलिसी बेचने के बाद कितनी बार मिले हो, इसमें रिन्यूअल वाला टाइम नहीं आ रहा, ये रिन्यूअल वाले टाइम से अलावा आप कितनी बार मिले हो, जरा ये भी बताइए। दोस्तों आप सब जिंदगी बदलना चाहते हो ना, मैंने इस बार प्रेजेंटेशन में क्या बात की थी, यही बात की थी कि किस तरह से क्लाइंट से बात करो। प्लान तो बहुत दे देंगे, ऐसे ऐसे प्लान की बात होगी कि आप सोच नहीं सकते, पर अरे उनके साथ हमने शुरुआत कैसे करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइंट के साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचीत, आप जानते हैं मैक्सिमम पॉलिसी तो जब आप आते हो तभी बिकी हुई होती है, क्या आप ये मानोगे, जब आप क्लाइंट के पास मिलने जाते हो तो आपकी पॉलिसी पहले से बिकी हुई होती है, हमारे जाने के बाद ना बिकने के कारण बनने शुरू होते हैं। आपको ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है, क्योंकि उसने आपको टाइम दिया, इसका मतलब मेंटली प्रिपेयर था। आपको एक नया सूट सिलवाना था, नया सूट सिलवाना था, आप दुकान पर गए तो आप तो मेंटली प्रिपेयर है ना, लेकिन आपको उस दुकान पर कपड़ा पसंद नहीं आया, आप बाहर आए दूसरी दुकान पे चले गए, वहां आपको पसंद आ गया, आपने खरीद लिया, बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर थे। ऐसे ही जब क्लाइंट आपको टाइम देता है तो वो मेंटली प्रिपेयर होता है। फ्रेंड्स केवल आपके बात करने के तरीके से प्लस माइनस होती है सारी चीजें, तो इस चीज को ध्यान रखिए। आप क्लाइंट के पास जब जा रहे हो तो क्या आप पूरी तरह तैयार हो उससे बातचीत करने के लिए, उससे शुरुआत करने के लिए। पॉलिसी बेचने के टाइम शुरुआत सबसे अच्छी है। अभी किसी ने लिखा, मिस्टर उमेश ने, रिन्यूअल पर ही मिलते हैं। उमेश मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, और सारे आप सभी नई पॉलिसी बेचना चाहते हो लेकिन मिलकर रिन्यूअल पर हो तो पॉलिसी नई आएगी कहां से।
इसीलिए मैं अपने कोर्स में भी कहता हूँ, यहां भी कह रहा हूँ, क्लाइंट से टच पॉइंट बनाइए। टच पॉइंट क्या होते हैं? क्लाइंट से एक साल में कितनी बार मिला जा सकता है, इसमें मैं बल्टे बिल्कुल नहीं गिनता हूं। क्लाइंट से एक बार में कितनी बार मिला जा सकता है, वो तरीके अलग हो गए। तो क्लाइंट से मिलने के टच पॉइंट बनाइए और उनको बढ़ाइए। क्या महीने में 2 बार हो सकता है? क्या एक बार हो सकता है? क्या साल में 4 बार हो सकता है? क्या साल में हर महीने एक एक बार हो सकता है? जितने टच पॉइंट बनाओगे उतना आपको फायदा होगा। हम मिलते रिन्यूअल पर, इसीलिए तो उसे बोझ लगता है। हम मिलते केवल रिन्यूअल के लिए। तो उसके टच पॉइंट बढ़ाने बहुत जरूरी है। मैं अपने हर फ्रेंड से विनती करता हूं, अपने क्लाइंट को रिन्यूअल के अलावा मिलिए। रिन्यूअल तो उसने दे ही देना है। फ्रेंड्स, जब भी वो कह रहा है, या सर्विसिंग के जरिए हो सकता है, कोई और इंफॉर्मेशन के जरिए हो सकता है, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आए, आपका काम है बताना। नई इंफॉर्मेशन आए, आपका बात काम है बताना। मैं एक नई इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं, ट्यूसडे कल सेशन नहीं होगा, और वेडनेसडे को सुबह शार्प 8 बजे सेशन होगा। अब ये मॉर्निंग में सेशन हुआ करेगा, किसी दिन बाई चांस हुआ टाइम चेंज, नहीं तो मॉर्निंग 8 बजे, जिससे आप पूरे दिन काम कर सको, आपको 5 बजे तक की वेट ना करनी पड़े। हम वेडनेसडे को सुबह 8 बजे मिलेंगे इसी चैनल पर। तो अब आप देखिए, आपका क्लाइंट क्या बहाने करता है, आप मुझे बताइए। मेरा रिलेटिव है, उनसे कारण पूछना शुरू कीजिए। सर, रिलेटिव से क्यों लेते हो, क्या क्या डील करते हो? हमेशा हर चीज पे रीजन पे जाइए। मैं पॉलिसी नहीं लेना चाहता। सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन आपका रीजन क्या प्रॉपर? क्लाइंट ये जिसने आपको टाइम दे दिया, आप क्या सड़क चलते हुए गाड़ी देखने चले जाते हो? कभी भी याद रखिए, सड़क पर चलते हुए क्या आपने कभी गाड़ी खरीदी? आप ये समझिए, एक ठीक सा क्लाइंट जो आपको 1 लाख रुपए देता है, तो साल 20 साल में 20 लाख रुपए देगा। आज कितना दे रहा है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख के हिसाब से आप सोचिए, 1 लाख रुपए आपके पास है, आपको ज्वेलरी नहीं खरीदने, क्या आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो? आपको बाइक नहीं खरीदनी, क्या आप बाइक की दुकान पर जाते हो बिना काम के? गाड़ी की दुकान पे जब तक आपकी इच्छा ना हो क्या जाते हो? इसका मतलब यह है, क्लाइंट भी आपको तभी बुलाता है जब उसको पॉलिसी लेनी होती है, ना तो हमारे जाने के बाद, हमारे एक्सप्लेन के तरीके से आती है। एक आदमी की क्लोजिंग जो है वो 10 में से 8 पॉलिसी है, और एक आदमी की 10 में से 1 है, तो गलती क्या पॉलिसी की है? क्या उसकी ब्रांच में क्लोजिंग कम होती है, हमारी ब्रांच में ज्यादा होती है? कोई गलती नहीं है। मींस मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सब लोग 1-1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो दोस्तों ना, तो सबसे पहले आपको उस तरह से अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या किसी हाई स्कूल वाले को किसी भी कंपनी में 1 लाख रुपए की नौकरी जनरली ऑफर हो जाएगी? बहुत रेयर चांस है, रेयरेस्ट। क्या 12वीं वाले को हो जाएगी? क्या ग्रेजुएशन वाले को जाएगी? नो। लेकिन जो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA है, तो उसे 1 लाख रुपए महीना की जॉब जरूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वही आपको भी करना है। MBA इन इंश्योरेंस, मुझे बेचना आता है इंश्योरेंस, ये मास्टरी आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप धीरे धीरे यहां पर आके करें, जल्दी करना तो मेरे साथ आप जो मेरे संडे का कोर्स है उसमें जुड़े, बट किसी भी तरह से 1 लाख रुपए के इस मेरे विजन में मेरे साथ रहें। मुझे यहां पर हो तो भी एतराज नहीं है। कल मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, और फिर उसके बाद हम एंड की तरफ चलते हैं। कल मेरे पास 36 नहीं, मिथिला, बिहार में मिथिला जगह, उससे भी इंटीरियर किसी गांव से फोन आया। मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं? वो 28 साल का युवक कहता है, सर वैसे मैं टीचिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मेरी टीचिंग की जॉब लग जाए। दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, जितने भी व्यक्ति जॉब करते हो स्पेशली, क्या आप अपने जॉब करते हुए अपने बॉस से ज्यादा, चाहे जितनी मेहनत करो कुछ भी करो, क्या आप अपने बॉस से ज्यादा कमा सकते हैं? आज मैं क्वेश्चन आपके पास छोड़ रहा हूँ, क्या जॉब करते हुए किसी भी XY कंपनी में, सरकारी प्राइवेट, क्या आप अपने बॉस से ज्यादा कमा सकते हो? मुझे जवाब चाहिए चैट बॉक्स में। क्या जॉब करते हुए आप अपने बॉस से ज्यादा कमा सकते हो? इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, हर एक से चाहिए। बताइए, किसको लगता है कि अपने बॉस से ज्यादा कोई अर्न कर सकता है सैलरी में? नहीं कर सकता ना, आप सब जानते हैं नहीं कर सकता। लेकिन
लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बहुत बड़ी बात है ये, कल मैंने उनसे शेयर किया वही मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम करते हो, आप देखिए आपके ब्रांच के अंदर कुछ लोग शायद ब्रांच मैनेजर सर से भी ज्यादा कमीशन ले लेते हो, बहुत सारी ब्रांच में होगा ऐसा। अगर वो ले सकते हो तो आप भी ले सकते हो, ये मिरेकल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, मिरेकल है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर आप अपने ब्रांच, जैसे भरत पारेख सर, आज रेस्पेक्ट से उनका नाम लिया था, वो हमारे चेयरमैन सर से भी ज्यादा इनकम करते हैं, रमेश नमानी जी शायद चेयरमैन सर से भी ज्यादा इनकम करते हैं। तो ये क्यों हो सकता है? क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जब इतना बड़ा चांस है। फर्क क्या हो रहा है उनकी और हमारी? इंश्योरेंस बिजनेस की एजुकेशन पर, हमारी प्रोस्पेक्टिंग पर। बोलना सबको आता है, किस समय पर बोलना है उसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं बस एक ही चीज कहूंगा, मैं जिस जगह पर, इसलिए कि मैंने यहां तक का प्रयास किया, मेरे को इससे ऊपर जाना, ये प्रयास मेरा सारा वही चल रहा है। मैं इसके तुरंत बाद दूसरी जगह क्यों जा रहा हूं? कि मुझे और आगे बढ़ना, मैं वहां सीखने जाऊंगा, मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। कितने लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आगे बढ़ने के लिए स्टेप लेते रहना है। क्या आप सब लोग जुड़ना पसंद करेंगे इस कुंभ में, इस महाकुंभ में? इसमें हमने आहुति देनी है, हर एक को जोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत आगे जाएंगे दोस्तों हम लोग, अभी बहुत ड्रीम निकले हैं। मैं आपको, आपने भी ट्रेनिंग ली है, मैंने भी ली है, मैं उस ट्रेनिंग में से वो दूंगा जो आपने आज तक नहीं सुना, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं। आप कल मेरे पास जिन एजेंट की बात कर रहा हूं, मिथिला के आगे से फोन आया था, मैंने उनसे एक चीज पूछी, आप किसी ट्रेनर को जानते हो? उसने एक नाम लिया, क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या वो LIC भी बेचते हैं? कहते नहीं वो LIC तो नहीं बेचते। मैंने कहा तो उनको पता क्या? मीन्स हमारा पेन कहाँ पता उनको? मुझे पता है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कैसे धक्के खाने पड़ते हैं। मैंने एक एक शॉप पे गया हूँ, एक एक घर का दरवाजा नॉक किया। मैं नाम ले रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, मिस्टर सुशील मदान 11M में एजेंट है, मेयर। वो एक एक ब्रांच में जाकर एक एक घर दरवाजा नॉक करते थे आज से 4 साल पहले, मीन्स 55-56 की एज में, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करनी थी। बोलिए कितने लीडर जिनसे आपने सुना होगा ऐसा किया होगा? एक भी नहीं। मैं आज भी वो काम कर रहा हूँ, इसलिए आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स बहुत आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।